अस्सलामुअलैकुम। जुलेखा के दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। देखिए मैं ये पोई का पेड़ है, मैं इसको तोड़ने जा रही हूँ। इसका मैं तरकारी बनाऊंगी। बहुत बढ़ गई है इसलिए मैं इसको तोड़ने जा रही हूँ। देखिए मैं ये पोई का साग और इसमें ये चना डाल के मैं इसकी तरकारी बनाऊंगी। पहले मैं ये धो लेती हूँ साग को। इसको धो लेना है। देखिए ये मैं पोई धो ली हूँ, चना धुला लिया है। इसका मैं मसाला निकालने जा रही हूँ। ये अदरक है, एक चम्मच लहसुन, थोड़ा सा राई पीसी हुई, थोड़ा सा राई डालने से फ्लेवर अच्छी आती है। दो चम्मच मिर्च, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, थोड़ा पिसी हुई जीरा, थोड़ी गोल मिर्च, नमक भी मैं डाल देती हूँ मसाला में, स्वाद के अनुसार जितना आपको खाना है उस तरह से डालिए। देखिए मैं चूल्हा जलाने जा रही हूँ। देखिए चूल्हा जला ली हूँ, इसमें मैं तेल डालूंगी। सरसों का तेल में बनाइए, बहुत अच्छी होगी। तेल गरम हो जा रही है तो मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए तेल गरम हो गई है। जीरा थोड़ा चटक गई है, प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाती है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए प्याज तो थोड़ी ब्राउन हो गई है, इसमें मैं हींग डालूंगी। उसके बाद ये चना डाल के भूनूंगी।
थोड़ा छिपा छिपा कर दीजिएगा। देखिए अब मैं मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा घुमा दीजिए चना, उसमें मसाला डाल के थोड़ा भूनना है। देखिए इसको भूज रही है, बहुत झटपट हो जाती है ये सब्जी, बहुत टेस्टी होती है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, बना के आप लोग भी खा के बताइए कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। अच्छा से भून लेंगे ना, उसके बाद बोल रखिए। देखिए ये भिजा गई है, अभी तो मैं कोई का साग डालूंगी। इसका गलती भी जो मिला 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 के वो भी डाल देना है। अब इसको मैं कुकर में डाल दूंगी और डाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए दो हरी मिर्च रख रही हूँ, अब थोड़ा टमाटर रखना है। अभी भुजा गई है, इसको मैं कुकर में रख दूंगी, गल जाएगी तब बन जाएगी। देखिए कुकर में डाल दी हूँ, देख लीजिए इसमें आधा गिलास पानी डालना है। इसको छिपा देती हूँ, अभी ये हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा पोई का साग और चना का मैं तरकारी बनाई थी, वो बन गई है। ये आप चपाती के साथ खाइए, पराठा के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं जा रही हूँ खाने, मैं चावल के साथ खाऊंगी। देखिए आप लोग भी इसी तरह बनाइए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।